हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द कुकिंग फेलोज। आज हम बनाने जा रहे हैं साबुदाना खीर विथ फ्रेश फ्लेवर्स ऑफ मैंगोज। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है जो मिनटों में बन जाती है, साथ ही मैंगो का ट्विस्ट इसका टेस्ट और भी बढ़ा देता है। ये व्रत के लिए परफेक्ट रेसिपी है। तो टेस्टी साबुदाना खीर की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने 1/4 कप साबुदाना लिया है और हम इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। साबुदाना को इस तरह से पानी से धोना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा स्टार्च होता है वो निकल जाए। और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे 1 घंटे के लिए हम सोक कर लेते हैं। एक थिक बॉटम पॉट में हम 1/4 कप पानी ऐड करेंगे। पानी डालने से खीर जलती नहीं है। साथ ही ऐड करेंगे 1 लीटर मिल्क। यहाँ हमने फुल फैट मिल्क लिया है। इसे इस तरह से अच्छे से हिलाते हैं और इसे एक बॉईल आने तक गर्म होने देते हैं। अब हम इसमें भीगा हुआ साबुदाना ऐड कर लेते हैं। साबुदाना खीर बनाते हुए हमें बस एक थंब रूल फॉलो करना है। इसे लो फ्लेम पे कंटिन्यूसली स्पून से हिलाते हुए हमें इसे कुक करना है, नहीं तो खीर तले में चिपक जाएगी और इसमें जले हुए दूध का स्वाद आएगा। साबुदाना बहुत जल्दी कुक होता है। देखिए, खीर अब गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है। थोड़े से केसर के थ्रेड्स को हम गर्म दूध में सोक कर लेते हैं। केसर ऐड करने से कलर और फ्लेवर्स बहुत अच्छे आते हैं। साबुदाना खीर टेस्टी होने के साथ ही बहुत जल्दी बन जाती है। इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। ये ऑप्शनल है, अगर आप इलायची पसंद करते हैं तो ज़रूर ऐड कीजिए। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसमें भीगी हुई केसर ऐड कर लेते हैं। इसे हमें धीमी आंच पे चलाते हुए करीब 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकाना है। अब हम 1/2 कप शुगर ऐड कर लेते हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। जैसे जैसे खीर पकती है, केसर और इलायची का फ्लेवर खीर में बहुत अच्छे से मिल जाता है। खीर की कंसिस्टेंसी भी अच्छी हो गई है। साथ ही इसमें हम ऐड कर लेते हैं 3-4 टेबलस्पून सूखा नारियल। इससे खीर का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं और धीमी आंच पे 3 से 4 मिनट के लिए इसे हम हिलाते हुए पका लेते हैं। साबुदाना खीर की कंसिस्टेंसी बहुत परफेक्ट है और साबुदाना भी देखिए बिल्कुल ट्रांसल्यूसेंट हो गए हैं। इसका मतलब हमारी खीर बिल्कुल रेडी है। इसे ठंडा होने देते हैं। तब तक हम मैंगोस रेडी कर लेते हैं। मैंगोस को पील कर लेते हैं और उसे छोटे बाइट साइज के पीसेस में कट कर लेते हैं। मैंगो जितना मीठा होगा इसका स्वाद खीर में उतना ही अच्छा आएगा। साबुदाना खीर मैंगो ट्विस्ट के साथ आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और यकीन मानिए ये मेरी तरह आपकी भी फेवरेट हो जाएगी। इसी के साथ हम कुछ मैंगो पीसेस भी इस तरह से स्कूप आउट कर लेते हैं। इन्हें हम फाइनल गार्निशिंग के समय यूज़ करेंगे। एक ग्लास या कोई भी मिनी सर्विंग बाउल लेते हैं और उसमें सबसे पहले कुछ मैंगो के पीसेस इस तरह से इसके बॉटम में अच्छे से फैला लेते हैं। खीर जो अब ठंडी हो गई है, इसे भी हम मैंगो पीसेस के ऊपर ऐड कर लेते हैं। यहाँ हमने करीब 2 स्पून खीर जो है वो मैंगो पीसेस के ऊपर सेकेंड लेयर में डाली है। मैंगो की एक और लेयर इस तरह से हम कॉर्नर्स में पूरी ग्लास में फैला लेंगे
और फिर फाइनल लेयर के लिए हम साबूदाना खीर को ग्लास में फिल कर लेते हैं। इसे कटे हुए पिस्ता से गार्निश कर लेते हैं। आप अपनी चॉइस के कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में हम इसे जो हमने मैंगो स्कूप आउट करा था उससे गार्निश कर लेते हैं। खाना स्वाद के साथ साथ अगर दिखने में भी सुंदर हो तो स्वाद और भी बढ़ जाता है। आप इसे ऐसे ही या फ्रिज में ठंडा करके खा सकते हैं। साबूदाना खीर विद मैंगो ट्विस्ट इज रेडी टू सर्व। होप आप सभी को ये रेसिपी पसंद आई हो। अगर आप इसे ट्राई करें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपकी रेसिपीज की फ़ोटोज़ हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे ज़रूर शेयर करें। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।